लोकसभा चुनाव के हलचल के बीच सियासत की गढ़ इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन दाखिल करने से पहले आयोजित रैली में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दल बदलने वाले नेताओं पर जमकर निशाना साधा। देखिए, दल बदलू नेताओं पर जीतू पटवारी ने निशाना साधा। पटवारी बोले, विपक्ष में काम नहीं कर सकते भयभीत लोग। पटवारी बोले, रात को शराब पीने में उन्हें आनंद आता है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। यहां बम की नामांकन रैली के बहाने शक्ति दिखाने की कोशिश की गई। वहीं नामांकन रैली में शामिल हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने रैली को संबोधित करते हुए दल बदलने वाले नेताओं को अपने निशाने पर लिया। पटवारी ने कहा कि विपक्ष की दूसरी पटरी पर भयभीत लोग काम नहीं कर सकते, रात को शराब पीने में उन्हें आनंद आता है, उनका जीवन उन्हें मुबारक, हमें संघर्ष करने में मजा आता है। पर सवाल यह है कि जो नगर निगम जिसमें अभी करप्शन, बिना काम किए बिल बनाने की प्रोसेस, अद्भुत करप्शन, चोरी का ऐसा नमूना कि दुनिया में न देखा गया, ये करप्शन और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के सगे भाई बहन है। अब देखो आप कि मोदी जी ने वहाँ बॉन्ड में करप्शन किया, नगर निगम में या महापौर और पार्षद और यहाँ के अधिकारियों ने अद्भुत करप्शन किया। अब आप देखो, सांसद हमारा कभी इंदौर की आवाज को लेके एक बार भी खड़ा नहीं हुआ, संसद में एक सवाल नहीं किया। केवल चुनाव हमारे शहर के परिवार के लोग जो भरोसा करते हैं उसकी अधर्मिता पे जीतना है। इस दौरान नामांकन रैली में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, शोभा ओझा, शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव समेत तमाम नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।